नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ मैं बात करने जा रहा हूँ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। और इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो कॉर्ट्स हैं वो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को किस तरीके से डील करते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉग है ये प्राइमरली डेडिकेटेड रहेगा नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाने से मेरे जो वीडियो ब्लॉग्स हैं ये आप तक पहुंचेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, आप पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स भी आप लोगों को मिलेंगी। आप मुझे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो मी। तो आइए वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात सही है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उन ऑफेंसेस में जो बेल होती है वो इट्स अ मैटर ऑफ राइट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल इंडियन पिनल कोड में जो है कोई सेक्शन है और उसका क्लासिफिकेशन किया गया है एज अ बेलेबल ऑफेंस, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से जो पुलिस अधिकारी है उसको आपको बेलेबल ऑफेंस में आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उसके बारे में। और यहाँ पे बेल जो है आपका एज अ मैटर ऑफ राइट होती है। ये मैंने कई बार मेरे वेरियस ब्लॉग्स में भी कहा है। लेकिन दिक्कत आती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि इन अपराधों में बेल नहीं मिलेगी। तो लोग थोड़े से कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में बेल मिलेगी भी या नहीं। तो देखिए दोस्तों मेरा जो कहना है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में ये है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल जो है एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होती है। आपको वहाँ पे दरख्वास्त लगानी पड़ती है। अगर आपका मुकदमा जो है अगर आप प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे देखें तो आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में आप लोग जो है बेल की दरख्वास्त लगाते हैं सेक्शन 437 में। और सिमिलरली अगर आपका मुकदमा जो है सेशंस ट्राइबल है और या फिर मैजिस्ट्रेट ने आपकी बेल को खारिज कर दिया है तो सेक्शन 439 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आप लोग जो है बेल की दरख्वास्त लगाते हैं सेशंस कोर्ट में। अब क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ये एक जुडिशियल डिस्क्रिशन क्रिएट करता है जुडिशियल ऑफिसर के लिए। तो प्राइमा फेसाई जो जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं या जजेस जो होते हैं वो देखते हैं कि केस में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा तो नहीं कि आप ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ ट्रायल आपको आप जो है बरी हो जाएं और आप प्राइमा फेसाई इनोसेंट जज साहब को लग रहे हों, तो ये सिचुएशंस होती हैं। इसके लिए कोई एक फिक्स मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स को अपना जुडिशियल विजडम जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। जुडिशियल विजडम से मतलब है कि जज साहब को ये डिसाइड करना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि इस मुकदमे का क्या आउटकम हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि अभियुक्त को जेल में रखा जाए और बाद में वो बरी हो जाए तो उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसके ऊपर आघात हो, उसका जो सोशल स्टेटस है वो बाद में वो मेंटेन ना रहे, और जेल में रहने से भी बहुत सारी तरह की दिक्कतें होती हैं। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें जहाँ तक बेल का सवाल है दोस्तों, ये प्राइमरली डिपेंड करती है जुडिशियल ऑफिसर के जुडिशियल विजडम के ऊपर। हाँ ये बात ज़रूर है कि जजेस इस बिल एप्लीकेशन को आर्बिट्री नहीं डिसाइड कर रहे हों और जजेस जो है सिर्फ एडहॉक तरीके में बिल को रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हों। अगर ऐसा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जब आपकी बिल को रिजेक्ट किया गया है तो आप हायर कोर्ट्स में आप जा सकते हैं जो है उस बिल के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। अमूमन यही होता है, लोग पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में बिल लगाते हैं उसके बाद में सेशंस कोर्ट में और फिर जो है हाई कोर्ट में, ऐसा जो है तरीका है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है। इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मैं एक बार दोबारा से आपको रिइटरेट कर दूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में जो बेल है वो डिपेंड करती है जज के जुडिशियल विजडम के ऊपर और इसी बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जुडिशियल ऑफिसर्स ये जो बेल है उनको डिसाइड करते हैं। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में पकड़ा गया है तो आप अपना पक्ष रखें और आप बेल लेने की कोशिश करें मैजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर सेशंस कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से। आपके जो मुकदमे के जो फैक्ट्स हैं जिससे ये साबित हो सके कि आप
यू नो प्राइमरली आप इनोसेंट हैं, तो उन सारे आप फैक्ट्स को अपनी बेल एप्लीकेशंस में अपने जो वकील साहब हैं उनके मार्फत आप उसको रखें, जिससे कि आपको बेल ग्रांट हो सके। तो दोस्तों पूरे इस सोशल मीडिया ब्लॉग के दौरान मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे थी, आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, नमस्कार।